अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज बना रही हूँ निटेला मग केक इन माइक्रोवेव, रेडी इन जस्ट 1 or 2 मिनट्स, जिसके लिए मैंने एक अंडा लिया है और इसमें मैं अब जो है अराउंड 1 टेबल स्पून जो है हम भर के इसमें निटेला शामिल करेंगे और इसको अब हम कर लेंगे अच्छे से विस्क। ले जी, ये अच्छे से देखें, मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसके अंदर कोई लम्स नहीं है। ये देखें, इसे हमने विस्क की हेल्प से किया है और अब मैं इसमें अराउंड 1 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी और इसके साथ जाएगा अराउंड 1 टेबल स्पून मैदा, जिसे मैंने छान लिया हुआ है, और साथ में जाएगा बेकिंग पाउडर अराउंड 1/2 टीस्पून। तो अब हम सब इस इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इनके अंदर कोई लम्स ना रहे। ये देखें, ये है इसके बैटर। ले जी, ये अच्छे से देखें, ये हमने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें सम चॉकलेट चिप्स जो हैं ये मिक्स करूंगी। अगर आपके पास हैं तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, आप जितने ज़्यादा डालना चाहते हैं डाल लें। बच्चे तो ये लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ख़ुद भी पर्सनली ये बहुत पसंद है। तो ये एक खाली मग लेंगे जो कि आपका माइक्रोवेव में इजीली यूज़ होता हो, आपने वो वाला मग लेना है। और अब हम इसे अच्छे से सारा पोर करेंगे और इसको अराउंड 1 or 2 मिनट्स के लिए हम रखेंगे माइक्रोवेव में। चलें जी, इस कप में मैंने ये सारा बैटर पोर कर दिया है, इसको मैं थोड़ा सा टैप करूंगी और इसके ऊपर हम थोड़े से स्प्रिंकल्स और ऐड कर लेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड। और अब मैं इसे माइक्रोवेव में रखूंगी। लें जी, ये देखिए हमारा बहुत ही मज़े का और बहुत ही ये फ्लफी बनना है, जस्ट रेडी इन एग्जैक्टली 2 मिनट्स, ना कम ना ज़्यादा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी निटेला चॉकलेट लगाऊंगी फॉर सम मोर फ्लेवर। अगर आप इसको एज इट इज़ खाना चाहते हैं तो आप मत लगाएं उसके ऊपर, लेकिन बच्चे चूँकि पसंद करते हैं तो इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट और लगा रही हूँ, सम मोर चॉकलेट चिप्स। एंड नाउ इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड कर रही हूँ। ओ वाओ, सी लुक्स हाउ ब्यूटिफुल। तो लें जी, अब मैं इसे देख जो है ना वो करती हूँ कट आउट आपको दिखाने के लिए कि ये कितना ही फ्लफी एंड मॉइस्ट बना है। सी, एक प्लेट में लेती हूँ। मजे का। अंदर से ये बहुत ही मजे का और बहुत ही फ्लफी है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। आई होप आपको मेरी ये क्विक एंड सिंपल सी रेसिपी जो कि जस्ट इन 2 मिनट्स मेरे बनकर रेडी हो गई है, आपको अच्छी लगी होगी और अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें एज ए स्नैक टाइम के लिए, तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा उन्हें। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़
एंड टेक केयर।